नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और हमारे चैनल बैंक प्रो पर। आप सभी के लिए मेरे दोस्तों जनरल अवेयरनेस मेंस मॉक लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं। ये सेशन मेरे दोस्तों डेली शाम को 5 बजे आता है। आप सभी का स्वागत है, रफ्तार के साथ सेशन में जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपके मेंस एग्ज़ाम लाइनअप हो चुके हैं और IBPS RRB PO क्लर्क और IBPS क्लर्क एग्ज़ाम के मेंस एग्ज़ाम के नज़रिए से जनरल अवेयरनेस मॉक टेस्ट आपके लिए मैं यहाँ पर लेके आता हूँ डेली शाम को। तो फटाफट सेशन में जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए मेरे दोस्तों। मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। GEJS फैकल्टी एक्सपर्ट इंजीनियर बैंकिंग फॉर ऑल बैंक एग्जाम एंड प्लस वेरीफाइड एडवोकेटर। मेरे दोस्तों आपके लिए खास खबर, आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं बहुत ही अच्छे प्राइसेस पर और वो इस समय आपके सामने है। 20% ऑफ, गेट 20% ऑफ ऑन ऑल बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शंस। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, लिमिटेड पीरियड ऑफर आपके लिए। इस कोड का इस्तेमाल करना है, आप कोड का यूज करेंगे BPM10, आपको क्लियर 20% ऑफ मिलेगा, लेकिन साथ साथ में आपके पास क्रेडिट क्वाइंस होते हैं। तो मेरे दोस्तों इस तरह से अप टू 30% तक का आप ऑफ अवेल कर सकते हैं। प्लस कैटेगरी में 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है आपको मात्र 7199 में, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक कैटेगरी में आपको मिलेगा 11039 रुपए में। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, इन सभी प्राइसेस पर ध्यान रखिए, ऐसे ऑफर पर ध्यान रखिए, ऐसा ऑफर बार बार नहीं आता है। एग्जाम लाइनअप हो चुके हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क अनाउंस हो चुका है, FCI की जब बात करते हैं उसकी वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, और इन सभी के मेंस के एग्जाम जो होंगे मेरे दोस्तों वो जनवरी में होंगे जाकर, यानी कि आपके पास लगभग अभी 4 महीने पूरे हैं पढ़ने के लिए। अभी अनअकैडमी के साथ जुड़िए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर टॉप एडुकेटर सिंगल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। आपके पास अपने एडुकेटर को चुनने का, बेस्ट एडुकेटर को चुनने का ऑप्शन होता है मेरे दोस्तों, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ये आपके पास मौका नहीं हैगा। साथ साथ मेरे दोस्तों पर्सनलाइज सॉल्यूशन मिलेगा, रेज हैंड फैसिलिटी यानी कि हाथ उठाकर अपने सवालों को पूछ सकते हैं एकदम ऑफलाइन मोड में। इसके अलावा मेरे दोस्तों आस्क अ डाउट फीचर है और नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलते हैं फिजिकल नोट्स प्लस नोट्स ऑन एप्लीकेशंस, 3 महीने की मैगजीन मिलेगी मेरे दोस्तों, और साथ साथ में आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट। तो इन सभी का फायदा उठाइए अनअकैडमी के साथ जुड़कर। वो बच्चे जो मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, वो ढूंढ रहे हैं मार्केट में ऐसे मॉक टेस्ट को जो आपके एग्जाम पर ओरिएंटेड है, पूरी तरह से अपडेटेड है, टॉप एडुकेटर के द्वारा क्यूरेटेड है, तो वो सारी जानकारी यहां पर है मेरे दोस्तों। 55% ऑफ चल रहा है मात्र 179 में आपके लिए। 50+ मॉक टेस्ट सीरीज, सेक्शन टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सब मिलेगा आपको मात्र इतने में। कोड का यूज करना है, BPM10 कोड का इस्तेमाल करना, यह ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, टॉप एडुकेटर टॉप बैचेस अनअकैडमी पर शुरू हो चुके हैं। इन बैचेस के साथ अपने आप को एनरोल कर सकते हैं दोस्तों, ये सारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं आपके लिए। हम अपना बैच कब लाते हैं? हमारा बैच आता है डेली सुबह 11 बजे, मॉर्निंग 11 AM पर आपके लिए ये बैच आता है जनरल अवेयरनेस का, GA का। आज भी आया था, आज हमने करेंसी एंड कॉइन पर आधारित सवाल पढ़े थे, बहुत सारे मजेदार सवाल। सर आपके लिए रीजनिंग की क्लास, मोंती सर मैथ्स, मैम इंग्लिश की क्लासेस लाती हैं, तो ये सुपर बैच आपके लिए है। जुड़िए फटाफट, एनरोल करिए इस बैच के साथ। मेरे दोस्तों नोट्स बैंक एग्जाम के लिए अवेलेबल मिलेंगे आपको यहाँ पर। इसके अलावा मेरे दोस्तों ये कोड याद रखिएगा, और इस समय 20% का ऑफ चल रहा है, सारी जानकारी आपके पास है यहाँ पर। तो फटाफट रफ्तार के साथ एनरोल कर लीजिए, और पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित कोई रिपोर्ट आई हो, इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कोई रिकमेंडेशन है, वो भी काम का होगा। RBI के द्वारा कोई गठित कमेटी है, वो आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसा ही सर्वे RBI के द्वारा हाल में ही रिलीज किया गया था जो जरूरी था और जो संबंधित था बैंक नोट से संबंधित। तो आंसर करिए फटाफट, निम्नलिखित में से वो कौन सा करेंसी बैंक नोट है, वो कौन सा बैंक नोट है मेरे दोस्तों जो कि मोस्ट प्रिफर्ड बैंक नोट के तौर पर बताया गया था। सैजल गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मोस्ट वेलकम विचा, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। आपको जवाब देना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हालिया सर्वे के अनुसार देश में लोगों का सबसे पसंदीदा करेंसी नोट कौन सा है? 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये या 2000 रुपये? ऐसे भी याद कर सकते हैं, फ्लोरसेंट ब्लू यानी कि 50 रुपये का नीला नोट, 100 रुपये, 100 रुपये का लेवेंडर यानी कि जामुनी कलर, 200 रुपये की जब बात करते हैं तो ब्राइट येलो कलर, 500 रुपये की जब बात करते हैं स्टोन ग्रे, 2000 की जब बात करें तो गुलाबी यानी कि मैजेंटा कलर की जब बात करते हैं। तो वो कौन सी करेंसी नोट है, फटाफट आंसर करिए। और विनोद जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विनोद लहा से बोल रहे हैं 100 रुपये का करेंसी नोट, बिल्कुल सही जवाब, सबसे सही जवाब। यहां पर मोस्ट प्रिफर्ड बोला हुआ है, अगर ये बोले लीस्ट प्रिफर्ड के बारे में, अगर आपसे बोल दिया जाए भाई बता दीजिए
लीस्ट प्रिफर्ड कौन सा है, तो आप बोलेंगे लीस्ट प्रिफर्ड मेरे दोस्तों 2000 का करेंसी नोट है, लीस्ट प्रिफर्ड नोट। ठीक है भाई, हमारे देश में 2000 की करेंसी नोट की प्रिंटिंग अप्रैल 2017 में बंद कर दी गई थी। जो मार्केट में आपको नोट्स दिखती हैं मेरे दोस्तों, वो तब की प्रिंट हुई सर्कुलेटेड करेंसी है। ठीक है भाई, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। देश में हाईएस्ट डिनोमिनेशन की करेंसी जो प्रिंट हो सकती है वो आपको पता होना चाहिए। 10,000 तक की करेंसी देश में हाईएस्ट डिनोमिनेशन की करेंसी प्रिंट हो सकती है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि ये करेंसी पहली बार कब प्रिंट हुई थी, 1938 में प्रिंट हुई थी, और आखिरी बार मार्केट में कब दिखी, तो 1978 की नोटबंदी में मेरे दोस्तों ये करेंसी मार्केट से एकदम नदारद हो गई, गायब हो गई, उसके बाद कभी भी इसके दर्शन नहीं हुए। बढ़ते हैं आगे, रचना यहां पर जुड़ चुकी है हमारे साथ, सेजल, विनोद, सभी का स्वागत, मोस्ट वेलकम बच्चे, वेरी गुड इवनिंग। अब अगला सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल आप मार्केट में मैं दोस्तों जो भी परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, छोटी मोटी जो लेन देन करते हैं, वो एप्लीकेशन के माध्यम से करते हैं। आप ऐसे बहुत सारे बच्चे गूगल पे इस्तेमाल करते होंगे, फोन पे इस्तेमाल करते होंगे, पेटीएम इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन ऐसी कंपनियों के लाइसेंस लेने के लिए पहले एक क्राइटेरिया हुआ करता था इनिशियल कैपिटल का। इनिशियल कैपिटल का क्राइटेरिया पहले हुआ करता था 100 करोड़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में ही मेरे दोस्तों इसे घटा दिया गया है, और घटाकर कितना कर दिया गया, देखिए लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट यूनिट्स टू हाउ मच करोड़, कितना करोड़ कर दिया गया है, फटाफट आंसर करिए, सही जवाब दीजिए। आंसर कर दीजिए फटाफट। ऐसी संस्थाएं मैंने एग्जांपल के तौर पर नाम बता दिए आपको, देखिए आप गूगल पे की बात करेंगे, पेटीएम की बात करेंगे, जिनको आप ज्यादा जानते हैं, है ना, आप बात करते हैं मेरे दोस्तों फोन पे की, मोबिक्विक की बात करें, ऐसी संस्थाओं के लाइसेंस अगर चाहिए तो नेटवर्थ क्राइटेरिया था वो था मेरे दोस्तों 100 करोड़, उसे घटाकर अब 25 करोड़ कर दिया गया है, 25 करोड़ कर दिया गया है, 25 करोड़। तो याद रखिएगा, आप में से किसी के भी जवाब सही नहीं आए हैं, और ये सवाल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम का हिस्सा हो सकता है, क्लैरिकल के लिए भी और पीओ में भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, 25 करोड़ इज द करेक्ट आंसर, 25 करोड़ बिल्कुल सही जवाब है। सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन है, आंसर करिए फटाफट मेरे दोस्तों, जिसने एडिशनल चार्जेस लिए हैं लोकपाल के चेयरपर्सन के तौर पर मेरे दोस्तों, आफ्टर जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष कंप्लीटेड हिज टर्म, यानी कि देश के पहले लोकपाल की जब बात करते हैं, पिनाकी चंद्र घोष साहब का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, उनके रिटायर होने के बाद वो कौन है जिनके पास अतिरिक्त प्रभार आ चुका है इस समय, निम्नलिखित नामों में से कौन सा नाम एकदम तूफानी है, आंसर करिए फटाफट। इन 5 ऑप्शन में कई सवाल छुपे हैं मेरे दोस्तों, जैसे प्रदीप कुमार मोहंती कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती, अरुण कुमार मिश्रा किसी कमीशन के प्रमुख हैं, गीता मित्तल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व जस्टिस रह चुकी हैं और टेबल टेनिस फेडरेशन से जुड़ी हुई हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब अभी हाल में ही नालसा में इनकी नियुक्ति हुई है, रंजन गोगोई पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सही जवाब क्या है। और यहां पर प्रदीप कुमार मोहंती, सैजल गुप्ता, रचना, बिल्कुल सही जवाब, विनोद लहासे, एकदम करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पहला जवाब एकदम सही है। प्रदीप कुमार मोहंती साहब मेरे दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष के साहब की जगह पर इस समय इस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं। अरुण कुमार मिश्रा की जब बात करें तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC में चेयरमैन के तौर पर है। गीता मित्तल ITTF इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की चेयरपर्सन है। DY चंद्रचूड़ साहब अभी हाल में ही मेरे दोस्तों नेल्सा में इनकी नियुक्ति हुई है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसमें नियुक्ति की गई है DY चंद्रचूड़ साहब की। इस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट में सेकंड टॉप मोस्ट जो दूसरी पोजीशन है उस पर चंद्रचूड़ साहब है। रंजन गोगोई मेरे दोस्तों इनको राज्यसभा की सांसदी दी गई थी और ये देश के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। अगले सवाल की बात करते हैं, प्रदीप कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू मर्सर्स 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, ऐसे बहुत सारे सर्वे आते हैं जो सिटी से संबंधित हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग से संबंधित हैं, ठीक है, कंफ्यूज करते हैं, और इसलिए सवाल को रखा गया है।
मर्सर भी मेरे दोस्तों इसी प्रकार का थिंक टैंक है और अपनी इस रिपोर्ट को जारी करता है जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताया गया है, यानी कि किसी शहर में रहने की जब बात करते हैं तो वहाँ पर रहने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ता है, कितना महंगा शहर है, उसका रिपोर्ट है ये। तो मर्सर के 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, आंसर कर दीजिए, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सबसे सस्ता शहर कौन सा है, इसकी भी जानकारी दे दीजिए। सैजल विनोद के जवाब एकदम परफेक्ट हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है। लीस्ट अगर बात करें यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में सबसे सस्ते मेट्रोपॉलिटन शहर की बात करें तो वो कलकत्ता है। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर हम बात करें ग्लोबल, अगर हम चर्चा करें ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की जब चर्चाएं करते हैं, ठीक है भाई, उसके अनुसार भारत में नंबर एक पर दिल्ली है, भारत में नंबर एक पर दिल्ली है। वैसे ओवरऑल 140 रैंक है 173 शहरों में। अगली बात करें अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अनुसार देश में ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स की जब चर्चाएं करते हैं, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स की जब बात करते हैं दोस्तों, तो इस रैंकिंग में नंबर वन पर दोस्तों बेंगलुरु है। क्या है? नंबर एक पायदान पर बेंगलुरु है, ठीक है भाई। तो इन बातों को याद रखिएगा, ये बातें आपको कंफ्यूज करती हैं, लेकिन इसीलिए मैं आपको बार बार इन सवालों में इन बातों को रिकॉल कराता रहता हूँ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। मेरे दोस्तों ये एक प्रोग्राम है, वर्ष 2016 के करीब इसे स्टार्ट किया गया था, और इस योजना की जब चर्चाएं की जाती हैं तो इसके अंतर्गत स्किल जो टैलेंट है, स्किल्ड टैलेंट है जो, उनको संस्थाओं में अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है भाई, अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड की जाती थी। इसके माध्यम से जिस कंपनी में वो अप्रेंटिसशिप ले रहे हैं वहाँ पर उनको स्टाइपेंड मिलता था और सरकार भी उन्हें स्टाइपेंड देती थी। ये जिस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली स्कीम है उसका नाम है स्किल डेवलपमेंट। कौन सा मंत्रालय भाई? स्किल डेवलपमेंट। अब इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो स्टाइपेंड दिया जाता था वो सीधा सीधा अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कि DBT माध्यम से। लेकिन इस योजना को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी का नाम क्या है ये बताना है आपको। इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी का नाम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSDC। बिल्कुल सही जवाब बच्चों के आ रहे हैं, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस संस्था में सरकार की हिस्सेदारी 49% है। मेरे दोस्तों ये एक प्रकार का चैरिटेबल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ऐसी संस्था है जो कि PPP की फॉर्म में काम करती है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फॉर्म में काम करती है। सरकार की हिस्सेदारी 49% है, 51% हिस्सेदारी प्राइवेट एजेंसीज की है। स्किल डेवलपमेंट और इससे संबंधित ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। आपको एक योजना भी याद होगी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उस योजना को भी धरातल पर जमीनी स्तर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी संस्था की थी, ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे की तरफ और चलते हैं एक अपॉइंटमेंट से संबंधित सवाल लेकर। एक संस्था जो खूब चर्चाओं में रहती है, नाम है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। FATF खूब चर्चाओं में रहता है और इसमें भारतीय मूल के टी राजा कुमार की नियुक्ति हुई है। नाम याद रखिएगा, FATF की जब बात करते हैं तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, और FATF का मुख्यालय कहाँ पर है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्री कितनी है, पाकिस्तान, UAE, टर्की जैसे देशों को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, भारत ग्रे लिस्ट में नहीं है मेरे दोस्तों। भारत में इस प्रकार के लेन देन नहीं देखे जाते हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फिनेंसिंग से संबंधित हैं। तो टी राजा कुमार, आपसे कोई पूछे किस कंट्री से हैं, ये भारतीय मूल के तो हैं लेकिन कौन सी कंट्री से हैं, किस कंट्री के ये नागरिक हैं, किस देश के नागरिक हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए फटाफट, सही जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए रफ्तार के साथ। सही जवाब क्या है? तो मेरे दोस्तों ये सिंगापुर से हैं। कहाँ से हैं ये? सिंगापुर से। ध्यान रखिएगा, ये सिंगापुर से हैं। टी राजा कुमार FATF के प्रमुख हैं। FATF के मुख्यालय की बात करें अगर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FATF? FATF का मुख्यालय मेरे दोस्तों कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल, पेरिस, ब्रुसेल्स, वियना या जेनेवा? तो इसका मुख्यालय है पेरिस में।
पेरिस में मुख्यालय है एफएटीएफ का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई आपको इसकी जानकारी देनी है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा फटाफट। टोटल नंबर ऑफ मेंबर की जब बात करते हैं तो 39 मेंबर्स हैं इसमें, 39 मेंबर हैं, और इकलौता अरब कंट्री है उसका नाम है दोस्तों सऊदी अरब। इकलौता अरब कंट्री जो है उसका नाम क्या है, सऊदी अरब। अगला सवाल, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की जब बात करते हैं, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी, मुख्यालय इसका बीजिंग में है, और इसके द्वारा पहली बार मेरे दोस्तों देश की पहली कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल अनाउंस की गई है, उसका नाम क्या है, अयोध्या, अहमदाबाद, वाराणसी, लखनऊ या फिर भुवनेश्वर, करेक्ट आंसर क्या है फटाफट बताइए। रचना का जवाब बिल्कुल सही, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस की जब बात करते हैं, पेरिस में मुख्यालय है FATF का, 39 मेंबर हैं, इकलौता अरब देश सऊदी अरब है FATF का। टर्की, पाकिस्तान, UAE जैसे देशों को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, मतलब एक तरह से डाउटफुल कंट्रीज जहां से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। अगला सवाल, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। SCO की जब चर्चाएं करते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी, मेरे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें इसमें कुल मिलाकर 9 मेंबर हैं, इस समय भारत और पाकिस्तान भी मेंबर हैं, और पहली बार इसके द्वारा भारत के किसी शहर को कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल के तौर पर अनाउंस किया गया, और वो शहर कौन सा है, वाराणसी है। वाराणसी मेरे दोस्तों इज द करेक्ट आंसर, सी आंसर बिल्कुल सही है। सैजल, विनोद, रचना, एकदम सही जवाब, बहुत अच्छी बात है। काम का सवाल है, जब हम SCO की बात करते हैं तो इसके स्थापना के बारे में बता चुके हैं वर्ष 2001, इसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो बीजिंग, मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, बीजिंग में मुख्यालय है। इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्री इस समय 9 है, और लेटेस्ट सबसे नया नवेला मेंबर जो कंट्री है, 9th कंट्री जो है दोस्तों वो है ईरान। 9वां देश कौन सा है, वो है ईरान, याद रखिएगा। 2022 की जब बात करते हैं, 2022 की जब बात करेंगे 2022 की, तो सम्मेलन कहां होना है, तो सम्मेलन होना है उज्बेकिस्तान में। कहां पर होना है सम्मेलन दोस्तों, उज्बेकिस्तान में सम्मेलन होना है। ये वही कंट्री है जिसकी कैपिटल सिटी ताशकंत है, जहां पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था, साथ साथ में 44वें चेस ओलंपियाड जिसका आयोजन भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ, उस चेस ओलंपियाड में नंबर 1 पोजीशन पर जो कंट्री रहा मेरे दोस्तों वो उज्बेकिस्तान ही है। ठीक है भाई, इन सारी बातों को याद रखिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के लिए काम के। आगे बढ़े अगले सवाल पर, एक रैंकिंग है NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये जो रैंकिंग है इसे हमारे एडुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा भाई, एडुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है जी, मंत्रालय किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है, समय मंत्रालय शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको जानकारी तो होगी, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है। नंबर 1 पर कौन सा IIT है, नंबर 1 पायदान पर कौन सा IIT है, फटाफट आंसर करिए, वो कौन सा संस्थान है जो कि इस रैंकिंग में, ये भारतीय रैंकिंग है, कोई अंतर्राष्ट्रीय नहीं, देखिए नेशनल लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। ठीक है, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, ISC बेंगलुरु। सैजल गुप्ता ISC बेंगलुरु बता रही है, रचना भी बेंगलुरु, विनोद लहासे भी बेंगलुरु, मिलजुल के आंसर दिया जा रहा है, और मिलजुल के जो ये आंसर आ रहा है ये एकदम गलत है, बिल्कुल बेकार। सही जवाब जो है मेरे दोस्तों वो है IIT मद्रास, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, IIT मद्रास बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें 4th कंसेक्यूटिव ईयर है, लगातार 4th वर्ष है जब ये IIT नंबर 1 पायदान पर रही है। ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास पिछले 4 वर्षों से छाई हुई है, इंजीनियरिंग कैटेगरी में पिछले 7 वर्षों से IIT मद्रास बवाल काट रही है। ठीक है भाई, तो NIRF का फुल फॉर्म, नंबर 1 इंस्टीट्यूट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, मंत्री कौन है, मंत्रालय किसके पास है, सब बता दिया गया है आपको। अगले सवाल की तरफ चलें, वो कौन सा IIT है जिसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल, इसका नाम है पाइवॉट, क्या नाम है दोस्तों, पाइवॉट, इसको अभी हाल में ही लॉन्च किया गया। इसके इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है। देखिए, जहाँ पर मैं कैंसर की डिटेक्शन से संबंधित बात करूँ, जहाँ पर मैं बात करूँ भाई, वो सेल्स जो कि कैंसर कॉज करते हैं उसका पता लगाने वाले मैथमेटिकल मॉडल की बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे दोस्तों इस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स के द्वारा खोजी जा रही हैं, पता लगाया जा रहा है, और वो इंस्टीट्यूट IIT मद्रास ही है, नन ऑफ द अबव
कौन है भाई? आईआईटी मद्रास। ओके, ध्यान रखिएगा, आईआईटी मद्रास के द्वारा ही इस टूल को खोजा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सौरभ वर्मा मोस्ट वेलकम, स्वागत है भाई, कैसे हो? तो आप जितने भी दोस्त साथी मित्र इस समय सेशन में जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत, मोस्ट वेलकम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, उस मूवी के बारे में बताना है जिस मूवी ने आपको उड़ान भरने पर मजबूर कर दिया, जिस मूवी को देखने के बाद आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि आप भी कुछ कर सकते हैं। जरूर देखिए इस मूवी को। इस मूवी को मेरे दोस्तों नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, 68 नेशनल फिल्म अवार्ड से इस मूवी को सम्मानित किया गया है। मूवी कौन सी है? फटाफट आंसर करिए। जय भीम असुरन मास्टर, अयप्पनम कोशियाम या फिर सुरराई पोत्रु? सही जवाब क्या है? जितने भी दोस्त साथी मित्र हैं फटाफट मेरे दोस्तों सेशन को पहले लाइक कर दीजिए, आप जितने बच्चे यहां पे जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, वो कौन सी मूवी है जिसने आपको उड़ान भरने पर मजबूर कर दिया? मैं आपको हिंट दे रहा हूं यहां पर, सुरराई पोत्रु जो है ये हिंदी में जब आई प्राइम वीडियो पर तो ये उड़ान से आई। किस नाम से आई? उड़ान से। ठीक है भाई, तमिल एक्टर सूर्या इसमें बहुत ही बेहतरीन किरदार निभाया। इससे पहले जय भीम आई थी, वो भी काफ़ी हिट मूवी थी इनकी। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा सुरराई पोत्रु। साई किरण गॉड मोस्ट वेलकम, स्वागत है बच्चे आपका। सौरभ वर्मा ई ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। ठीक है भाई, बड़े आगे की तरफ देखें, अगला सवाल क्या है? अच्छा, ये टाइगर्स डे कब होता है? सवाल मैंने आपसे पूछा टाइगर डे कब होता है, ग्लोबल टाइगर डे, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। और इस अवसर पर हमारे देश में जो ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन हुआ, ये जिस टाइगर रिजर्व में हुआ उस टाइगर रिजर्व का नाम पूछा जा रहा है। टाइगर सेंसस 4 वर्षों पर होता है भारत में, 4 वर्षों पर। लास्ट सेंसस जो हुआ था, आखिरी सेंसस जो हुआ था वो 2018 में हुआ था, और इस सेंसस के अनुसार देश में मैक्सिमम टाइगर 526 टाइगर में, दोस्तों 526 टाइगर्स मध्य प्रदेश में थे। ठीक है भाई, मध्य प्रदेश में थे, ये बात ध्यान रखेगा। अगर हम इन 4 वर्षों की बात करें तो 300 के करीब टाइगर्स की डेथ भी हो चुकी है, इनमें से मैक्सिमम टाइगर्स की डेथ मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश में ही हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे होता है, और एक टाइगर रिजर्व है देश में जिसका नाम है तादोबा टाइगर रिजर्व, जिसके द्वारा ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन को होस्ट किया गया। इस अवसर पर हमारे पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव साहब जो हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। आपको बताना है वो कौन सा स्टेट है जहां पर तादोबा टाइगर रिजर्व है। रचना का जवाब एकदम परफेक्ट है, और यहां पर रचना बता रही है महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है, वो राज्य जो पिछले 3-4 सालों में खूब चर्चाओं में रहा। ठीक है भाई, कभी मुकेश अंबानी के कारण, कभी सुशांत सिंह राजपूत के कारण, केसेस के कारण, फिर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के कारण, तो ये उठा पटक लगातार जारी रही। कभी नवनीत राणा के कारण, है ना भी, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, सीएम एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन अपनी कई दूसरी खूबियों के कारण भी चर्चाओं में रहा। ये देश का पहला स्टेट है जिसने एजुकेशन डॉक्यूमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से माध्यम इशू करने की बात कही। सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट ओन्ड एंटरप्रेन्योर्स, मेरे दोस्तों हम बात करें स्टार्टअप जो हैं वो महाराष्ट्र में ही शुरू हुए। अपने सभी लैंड रिकॉर्ड्स को उसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया। ऐसी कई खास बातें हैं जो महाराष्ट्र से संबंधित हैं। देश में सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट्स की बात करें तो वो भी महाराष्ट्र में ही है दोस्तों, और अभी हाल में ही 2 जगहों के नाम बदलने से संबंधित भी खबरें आपने देखी होंगी। तो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन अगले सवाल पर जाने से पहले आपको बता दें 2022 चल रहा है, टाइगर सेंसस का प्रोसेस भी चल रहा है, रिपोर्ट जल्दी ही आएगी, जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। अगला सवाल, देश में टोटल रामसर साइट की जब चर्चाएं करते हैं तो टोटल रामसर साइट देश में अब 75 है। कितनी है? 75 वर्ष। हमने पूरे आजादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए, उसी अवसर पर देश में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट की संख्या भी कितनी होगी? 75 होगी। ठीक है भाई, अब आपको बताना है, अभी हाल में ही एक पाला वेटलैंड साइट अनाउंस की गई थी। जवाब दीजिए फटाफट, पाला वेटलैंड साइट जो है ये कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? कमेंट में फटाफट आंसर कर दीजिएगा। संतोष गंगवाल, साई किरण, रचना, विनोद, सेजल, साई, फटाफट आंसर करिए दोस्तों। आपको बताना है रामसर साइट, इसका नाम है पाला वेटलैंड। पाला वेटलैंड मेरे दोस्तों मिजोरम का है। कहाँ का भाई?
मिजोरम का है, ध्यान रखिएगा किस जगह का है, मिजोरम का। अब देखिए एग्जाम में अगर ऐसे सवाल पूछ लिए गए ना तो आप जवाब दे नहीं पाओगे, है ना, जवाब देना दे पाना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या है, 49 रामसर साइट थे, 49 के बाद मेरे दोस्तों ये 75 पिछले 2 महीने के अंदर ही हो गए, तो इतने सारे रामसर साइट याद कैसे करोगे? और अगर एग्जाम में सवाल आ गया तो गलत होना तय हो जाएगा आपके लिए। आपके पास समय है, 1 महीने का समय है, नहीं है ना, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क के नज़रिए से, FCI के नज़रिए से आपके पास समय पर्याप्त है, पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। मिजोरम करेक्ट आंसर है। और मिजोरम की जब बात करें, मिजोरम भी खूब चर्चाओं में था। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है उनका नाम है जोरम थांगा, और उनकी बेटी ने एक डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया था, आपने खबर सुनी होगी, ठीक है जी। इस कारण से चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी इसके लिए सॉरी बोला, सॉरी एक्सेप्ट किया कि जो ये एक बवाल हुआ ये सही नहीं था। रामसर साइट की जब बात करते हैं दोस्तों, देश में वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जो सेंटर वो कहां पर है कोई पूछे तो आप बोलेंगे चेन्नई में है। कहां पर है दोस्तों, ये चेन्नई में है। देश में वेटलैंड या वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन हुआ था जिसे आप रामसर कन्वेंशन के नाम पर जानते हैं, ठीक है जी। अब एक और खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मैक्सिमम वेटलैंड जिन्हें रामसर घोषित किया गया है, रामसर साइट घोषित किया गया है वो कौन से राज्य में है, तो वो है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में इस समय टोटल 14 रामसर साइट हैं, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में 14 रामसर साइट हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं। याद रखिए मेरे दोस्तों, ये सारे पॉइंट बड़े काम के हैं। अगला सवाल, यंगस्टर्स युवा कितने तक के एज के जो युवा हैं वो एनरोल कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड के लिए एडवांस में, वो कितने एज ग्रुप के जो यंगस्टर्स हैं वो एडवांस में वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हाल में ही हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये जानकारी दी गई है। सही जवाब फटाफट दीजिए। देखिए विनोद लहसे, सईद अनवर, रिजल्ट आ जाएगा मेरे दोस्त, रिजल्ट आ जाएगा, जल्दी ही आएगा। आज 8 तारीख है ना, आज 8 तारीख है, एग्ज़ाम आपका 20 दिन के भीतर, 20-22 दिन में ही है, तो मान के चलिए विद इन अ वीक, एक हफ्ते के भीतर ही, 3-4-5 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग जानकारी दी, सैजल गुप्ता कभी 14 कभी 21 नहीं बेटा, वोट डालने के लिए अगर आप बात करें, वोट डालने के लिए आपकी आयु जो है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए, 18 ईयर्स की होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन क्या है हमारे देश में, हर चीज़ लेट होती है, कई बार आप 18 के हो गए हैं, वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम नहीं है, वोट डाल नहीं पाते, आपके हाथ से एक मौका निकल गया, अगले 5 साल बाद चुनाव आएगा, है ना, आप सोचते हैं कि मैं अपने वोट से देश की राजनीति पलट दूंगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका वोटर आईडी लिस्ट जो होती है उसमें आपका नाम हो। तो आप 17 के जब हो जाते हैं, 17 के जब हो जाएंगे, तो 17 की एज में मेरे दोस्तों आप पहले से ही एडवांस में वोटर आईडी जो लिस्ट होती है उसमें एडवांस में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जब आप 18 के हों तो आपका नाम उसमें मिल जाए आपको। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 14 थी तमिलनाडु में, 14। अगला सवाल प्यारा है, ये भी, हम जब अपनी जनगणना की बात करते हैं, है ना, जब जनगणना की बात करते हैं, सेंसस की बात करते हैं, तो वो 10 वर्षों पर होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कृषि की, एग्रीकल्चर सेंसस की जब बात करते हैं, तो कितने वर्षों के अंतराल पर एग्रीकल्चर सेंसस होता है। 2021 में गणना होनी थी, कोविड-19 चल रहा था, बवाल कट गया, है ना, प्रोसेस रुका हुआ है, डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। कृषि सेंसस, कृषि गणना कब तक होती है, आंसर करिए फटाफट। तो सौरभ वर्मा मेरे प्यारे दोस्त, 5 वर्षों पर एग्रीकल्चर सेंसस होता है। याद रखिएगा, सेंसस अब वो एग्रीकल्चर हो अपना हो, इससे संबंधित एग्जाम में एक सवाल पक्का आता है, जनगणना से संबंधित सवाल एग्जाम में एक पक्का आता है, आरआरबी, आरआरबी पीओ क्लर्क, आरबीपीएस क्लर्क में आना तय है एक क्वेश्चन सेंसस से, वो जनगणना से हो सकता है मेरे दोस्तों, मतलब वो
पॉपुलेशन से हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी से हो सकता है, सेक्स रेशियो से हो सकता है, लिटरेसी रेट से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए, पेपर आउट हो रहा है यहां पर आपके लिए। अगला सवाल, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड हाल में ही मेरे दोस्तों किस लीडर को दिया गया, किस नेता को दिया गया, जिस देश में बवाल कटा हुआ है, जिस देश में एक प्रकार से दूसरे देश का कब्जा है, युद्ध लगातार 5 महीने से ज़्यादा हो चुका है, चल रहा है, 6 महीने होने वाले हैं, तो आंसर कर दीजिए। और नाम है उनका जेलेंस्की, है ना, तो कौन है भाई वो, उनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के मुखिया हैं, यूक्रेन। अच्छा बेटा, वो कौन सा ऑपरेशन था जिसके तहत यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को भारत लाया गया था, उस ऑपरेशन की जानकारी दीजिए। वो कौन सा ऑपरेशन जिसके तहत यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया गया। अर्जुन पूछ रहे हैं गिवन बाय हूम, बेटा जब बोरिस जॉनसन साहब प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं के द्वारा इसको दिया गया था, और पहले वो नेता भी थे जो यूक्रेन में गए थे मिलने के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने भी दोस्त साथी मित्र समय जुड़े हुए हैं सेशन पर, सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों, दोस्तों को शेयर करिए। मिशन गंगा या ऑपरेशन गंगा विनोद, तो याद रखिएगा वो ऑपरेशन गंगा था जिसके तहत यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की बात कही, तो क्या नाम था भाई, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन सही जवाब, अब सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय नेवी में यानी कि भारतीय नौसेना जो खूब चर्चाओं में है, है ना, INS विक्रांत के कारण चर्चाओं में है, कुछ दिन पहले 6 पनडुब्बियां जो देश में एनरोल भारतीय नौसेना में एक तरह से कमीशन हुई थी उसके कारण चर्चाओं में है, तो हमारी नौसेना लगातार मजबूत हुए जा रही है। अभी हाल में मेरे दोस्तों 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो हैं, ये कौन से देश में भारतीय, कौन से देश से भारतीय नौसेना में शामिल हुए, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, इजराइल, फ्रांस, रशिया, सही जवाब क्या है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर है अमेरिका। तो मेरे दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है, बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल, अब देखिए अभी आप लोग खूब चर्चाएं सुने अपनी विक्रांत से संबंधित, है ना, देश का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत, और सही में देश का पहला जो एयरक्राफ्ट करियर था वो भी विक्रांत था ही, उसी के नाम पर इस नाम को दिया गया है। आपको बताना है निम्नलिखित में से वो कौन सी शिप बिल्डिंग कंपनी है जिसके द्वारा INS विक्रांत को तैयार किया गया है, और यहाँ पर बच्चे फंस रहे हैं सवाल में, लेकिन देवानंद यादव का जवाब एकदम परफेक्ट है, रितिका बिल्कुल सही जवाब, बच्चे रितिका कैसे हो बेटा, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, सौरभ वर्मा बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त आपका भी, और कार्तिक कुमार का भी जवाब एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर सही जवाब है कोचीन शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड पहला ऑप्शन एकदम सही है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो इसको आंसर बता रहे हैं लेकिन ये गलत है, इसके बारे में भी जानकारी दें, काफ़ी बड़ी काफ़ी पुरानी कंपनी है देश में, शिप बिल्डिंग कंपनी से बात करें तो देश में जो 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई गई अभी हाल में ही और जिसे कमीशन किया गया, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो बनाई गई है ना, वो माजागांव डॉक यार्ड ने की थी, वो किसने की थी, माजागांव डॉक ने की थी। ओके, हम जब INS विक्रांत की बात करते हैं इसे कोचिन शिपयार्ड के द्वारा किया गया था। अब इससे संबंधित कुछ वन लाइनर्स हैं, नेवी डे कब मनाया जाता है, फटाफट आंसर, नेवी चीफ कौन है, और स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी जो है मेरे दोस्तों ये जो इंडक्ट की गई इंडियन नेवी में इसका नाम क्या है, तो सुन लीजिएगा भाई, 4 दिसंबर को नेवी डे होता है, आर हरिकुमार इस समय नेवी चीफ हैं, और छठी पनडुब्बी जो हमारे भारतीय नौसेना में शामिल हुई उसका नाम INS वागशीर है, क्या नाम है, INS वागशीर। ओके, बढ़ते हैं आगे, एक अर्थशास्त्री जो खूब चर्चाओं में रहे, नाम है उनका इंदरमीत गिल, दूसरे भारतीय हैं जो कि वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर नियुक्त हुए हैं, पहले नाम पूछे तो कौशिक बसु जी का नाम याद रखिएगा, जाने माने अर्थशास्त्री, तो दूसरे भारतीय इंदरमीत गिल मेरे दोस्तों विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री
बनने वाले दूसरे भारतीय हो चुके हैं। विश्व बैंक से संबंधित जितनी भी नियुक्तियां हैं वो काम की हैं जो आपको आपके सामने यहां पर रख दी गई हैं। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मेलपास, एमडी अंशुला कांत, चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रमीत गिल। किसको रिप्लेस किया इन्होंने? कार्मन रेनहार्ड को रिप्लेस किया। इंडियन ईडी कौन है? राजेश खुल्लर हैं। वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर कौन है? रंजीत सिंह देसाले। ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किए गए थे 2020 में 8 करोड़ का इनाम मिला था। प्रोजेक्ट स्ट्राइव, रिवार्ड, रैम्प, ये सारे प्रोजेक्ट मेरे दोस्तों भारत में चल रहे हैं। मिशन कर्मयोगी के लिए 47 मिलियन US डॉलर भी वर्ल्ड बैंक ने ही दिया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड अभी हाल में ही इशू किया है। और ये सारी बातें आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत काम की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल अर्जुन, कौशिक साहब नाम भी बता दे रहा हूँ एक बार यहाँ पर है। कौशिक बसु, क्या नाम है? कौशिक बसु साहब, ये पहले अर्थशास्त्री थे जो वर्ल्ड बैंक में फर्स्ट इंडियन चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर नियुक्त किए गए थे। ठीक है भाई, बड़े अगर सेशन पसंद आ रहा है तो थम्सअप भी करते रहिए मेरे दोस्तों। बीच में सेशन अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो थम्सअप भी कर दीजिएगा। नेशनल फ्लैग डे मेरे दोस्तों, ये किस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? और अभी हाल में ही जो नेशनल फ्लैग कोड है उस कोड में संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत अब देश में आम आदमी राष्ट्रीय ध्वज को लहरा सकता है दिन में, रात में, किसी भी समय पर। और ये बदलाव मेरे दोस्तों आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि इस बार 15 अगस्त के अवसर पर किया गया था। 13 तारीख से कैंपेन लॉन्च किया गया था, नाम कैंपेन था कैंपेन का, हर घर तिरंगा, है ना भाई? तो सारी बातें आपको पता हैं। जुलाई की जब चर्चाएं करते हैं, 22 जुलाई की बात करते हैं, इस दिन राष्ट्रीय ध्वज दिवस होता है। रितिका चोपड़ा बिल्कुल सही जवाब, विनोद लाहा से करेक्ट आंसर, सजल गुप्ता एकदम तूफानी जवाब, सौरभ वर्मा, देवानंद, बहुत अच्छी बात बच्चे। अब देखिए, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा एमेंड किया गया था, मतलब वो फ्लैग कोड जिसके तहत राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित नियमों को बताया गया है, तो फ्लैग कोड जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ संशोधन किए गए, जिसके तहत मेरे दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है हम उसे अब लहरा सकते हैं, फहराने की अनुमति मिली हमें। तो कौन से पार्ट में, निम्नलिखित में से वो कौन सा पार्ट है जिसमें संशोधन किया गया है, आपको जानकारी देनी है, फटाफट बताइए वो पार्ट कौन सा है। बहुत प्यारा सवाल है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, तो जवाब बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाएंगे। याद रखिएगा, नेशनल फ्लैग कोड पार्ट सेकंड की जब बात करते हैं, पार्ट सेकंड की बात करते हैं तो उसमें संशोधन किया गया है। ठीक है भाई, अगला सवाल, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है, बता दीजिए फटाफट। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, इसकी अनाउंसमेंट कब की गई थी, अभी हाल में ही इस अवसर पर वो कौन सा राज्य है जिसने नेथन्ना बीमा योजना की शुरुआत की, यानी कि बुनकरों के परिवारों के लिए 5 लाख तक का जो बीमा योजना की शुरुआत की है, जिसके लिए उसने LIC के साथ पार्टनरशिप की है, उस स्टेट का नाम भी आपको बताना है, फटाफट जानकारी। सही जवाब है मेरे दोस्तों, नेशनल हैंडलूम डे जो है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, 7 अगस्त को। इसकी शुरुआत 2015 में हुई, 2015 में। ठीक है भाई, एक और बात बता दें, 7 अगस्त को 2021 की जब चर्चाएं होती हैं तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया था, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय बने थे मेरे दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए जैवलिन थ्रो डे भी इसी दिन ऑब्जर्व किया जाता है। और रितिका चोपड़ा का बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, तेलंगाना वो स्टेट है जिसने नेथन्ना बीमा स्कीम की शुरुआत की है, किसकी? नेथन्ना बीमा योजना। और ये बीमा योजना जो है मेरे दोस्तों ये बुनकरों के लिए है, ये हैंडलूम से जुड़े हुए जो कारीगर हैं उनके लिए है। कितना बीमा दिया जा रहा है? 5 लाख। इसके लिए इस स्टेट ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? LIC के साथ पार्टनरशिप की है। सवाल बहुत बन सकते हैं, LIC की कितनी परसेंट की हिस्सेदारी बेचकर सरकार ने 21,000 करोड़ रुपये जुटाए? तो 3.5% की हिस्सेदारी डाइवेस्ट की है, डिसइन्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसकी मदद से 21,000 करोड़ रुपीज़ सरकार ने रेज किए हैं फंड, याद रखिएगा। ठीक है भाई, संतोष अग्रवाल, तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल आपके सामने है, बता दीजिए ये जो स्विफ्ट नाम का आपने नेटवर्क सुना हुआ है इसमें आई का मतलब क्या है? स्विफ्ट नाम का नेटवर्क सुना है
इसमें आई का मतलब क्या है, फटाफट आंसर करिए, सही जवाब क्या है। करेक्ट आंसर फटाफट रफ्तार के साथ दे दीजिए मेरे दोस्तों, सही जवाब क्या है, व्हाट डज आई स्टैंड इन स्विफ्ट। आज का आखिरी सवाल है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। और देखिए बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं बच्चों के, इंटरबैंक इज द करेक्ट आंसर, इंटरबैंक बिल्कुल सही जवाब है। स्विफ्ट मेरे दोस्तों एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। एक ऐसा नेटवर्क मेरे दोस्तों जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय लेन देन होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन होता है। एक भारतीय बैंक विदेश में पैसा भेज सकता है, एक विदेशी बैंक भारत में पैसा भेज सकता है, ठीक है भाई। इस कोड को आप BIC भी बोलते हैं, बिजनेस आइडेंटिफायर कोड्स भी बोलते हैं, ये भी याद रखेगा। इसको स्विफ्ट BIC के नाम से जाना जा सकता है, BIC कोड या स्विफ्ट कोड के नाम से भी आप जानते हैं। ये कोड जो है कितने कैरेक्टर्स का होता है, या तो 8 या फिर 11 कैरेक्टर्स का होता है, 8 और 11 कैरेक्टर का। इस नेटवर्क की जब चर्चाएँ होती हैं, इस नेटवर्क का हेडक्वार्टर कोई पूछे कहाँ पर है, तो मेरे दोस्तों हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की कैपिटल सिटी, जहाँ पर यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है, जहाँ पर नेटो का मुख्यालय है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बड़े काम की हैं। अर्जुन मेरी क्लास का टाइम समझ लीजिए, शाम को 5 PM 5 बजे बैंक प्रो यूट्यूब चैनल पर, इस चैनल पर शाम को 5 बजे आपके लिए सेशन आता है डेली। इस मॉक टेस्ट में आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अभी रात को 10 PM पर, रात को 10 बजे आपके लिए अनअकैडमी पर एक स्पेशल क्लास रखी गई है, स्पेशल क्लास है रात को 10 बजे, इसमें भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये सारी बातें याद रखिएगा, बड़ा काम का है ये। अब ऑफ़र जान लीजिए, अनअकैडमी से जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा मौका है मेरे दोस्तों, और ये ऑफ़र आपके लिए समय चल रहा है। आप 20% तक का ऑफ पा सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। किस कोड का इस्तेमाल करने पर? BPM कोड का। आप अगर अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दुश्मनों को भी जानकारी दे सकते हैं कि इस कोड का इस्तेमाल करिए और फटाफट अनअकैडमी से जुड़ जाइए। इन सारी सुविधाओं का लाभ उठाइए मेरे दोस्तों। और 20% के अलावा आपके पास क्वाइंस होते हैं, उन क्वाइंस का इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 30% के करीब ऑफ हो जाएगा आपके लिए। ये सारे बातें ध्यान रखें, इस कोड को याद रखिएगा। टेलीग्राम चैनल के बारे में जानकारी दे दूँ, दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल JBhai भास्कर सर, ओके, तो दिस इज़ माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल JBhai भास्कर सर। ये मेरा कोड है मेरे दोस्तों, ये मेरा कोड है BPM10, इसका इस्तेमाल करिए। और लेट्स क्रैक इट के साथ मेरे दोस्तों अनअकैडमी के साथ एनरोल करिए, तैयारी करिए, अपने गोल को क्रैक करिए, अपने टारगेट को अचीव करिए। अभी के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिएगा।